नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार शनिवार यानी कि 9 दिसंबर को तिरुपति बालाजी भगवान की शरण में पहुंचा। मंदिर दौरे पर लालू के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने अपने सिर के बाल मुंडवाए। तेजस्वी की शादी की दूसरी सालगिरह के मौके पर वहां उनकी बिटिया कात्यायनी का भी मुंडन कराया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर लोगों के सामने जब उनके मंदिर भ्रमण से जुड़े फोटो सामने आए तब वे इसे राजनीति करार देने लगे हैं। दरअसल शनिवार सुबह तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर इस दौरे से जुड़ी 4 तस्वीरें शेयर की। तेजस्वी यादव ने मंदिर में दर्शन की जो तस्वीरें साझा की है उसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राजश्री और साथ में बेटी कात्यायनी दिख रही है। साथ ही जानकारी दी कि हमने सवेरे आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर उत्कृष्ट शिल्प कौशल के अद्भुत उदाहरण व भक्ति विश्वास और श्रद्धा के प्रतीक भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना व दिव्य दर्शन कर सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद हासिल किया। लालू के छोटे लाल तेजस्वी के मुताबिक उन लोगों ने गर्भगृह में विराजमान भगवान वेंकटेश्वर से समस्त प्रदेशवासियों के सुख शांति समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना भी की। उनकी शादी की सालगिरह के विशेष दिन पर बेटी कात्यायनी का मुंडन संस्कार भी संपन्न हुआ। उन्होंने आगे लिखा कि सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले पौराणिक ऐतिहासिक व आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा ज्ञानार्जन शुभता दिव्य हस्तक्षेप आध्यात्मिक सांत्वना आत्म साक्षात्कार ध्यान और परमात्मा से जुड़ने का जरिया व्यक्तिगत व सामुदायिक विकास तथा मानव जीवन के मूल उद्देश्य की गहराई को समझने की चाह रखने वालों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। उधर तेजस्वी यादव के साथ साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए शेयर की। इस दौरान पूरे परिवार ने बालाजी का दर्शन प्राप्त किया। इस खूबसूरत तस्वीर में तेजस्वी यादव के साथ उनकी पत्नी राशि यादव, राशि की गोद में कात्यायनी दिख रही है। तीनों एक साथ इस तस्वीर में काफी अच्छे दिख रहे हैं। वही आपको बता दें कि एक्स पर तेजस्वी यादव के पोस्ट किए गए फोटो देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें मैरिज एनिवर्सरी की बधाई दी और तस्वीरों को बेहद सुंदर बताया। हालांकि कुछ यूजर्स ने इस दौरान तरह तरह के कमेंट्स भी किए जिनमें कुछ चुटकी लेने वाले भी थे और सियासी तौर पर घेरने वाले भी। आपको बता दें कि मोइनुल हुडा 7 के हैंडल से कमेंट किया गया कि आप थोड़ा फिटनेस पर भी ध्यान दीजिए। तो वहीं सुमन झा ने कमेंट किया कि यही राजनीति कहलाती है। कांग्रेस नेताओं को गैर ब्राह्मण और हिंदू विरोधी बताकर देखिए यह आपके लिए क्या कर रहे हैं। वही सुजीत कुमार ने कमेंट कर कहा कि पटना पहुंचते ही आप अपने लोगों को सनातन धर्म को भला बुरा कहलवाएंगे। बता दें कि लालू प्रसाद यादव की इस यात्रा के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। देश भर में राम मंदिर समेत सनातन पर छिड़ी बहस के बीच लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार यह यात्रा कर रहे हैं। इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव देवघर और मुंबई में मंदिरों का दर्शन कर चुके हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद लौटने पर उन्होंने देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी किया था। वहीं मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान वे सिद्धि विनायक मंदिर भी गए थे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज़।